पेपर को डबल फोल्ड कर लेंगे। वेस्ट लेंथ मेरा 14 है, 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ सिलाई मार्जिन लेके। 7.5 मेरा शोल्डर हो गया, 4.5 इंच आगे बढ़ाएंगे, जितना शोल्डर था उतना यहाँ भी लेंगे। अभी वेस्ट राउंड का चौथा भाग लेके उससे कर्व में इसको ज्वाइंट कर देंगे। जितना आपका वेस्ट राउंड आएगा उसका डबल कपड़ा आप ले लोगे। जैसे 8.5 है तो 8.5 आगे भी लेंगे डबल फोल्ड पे। 15 इंच मेरा ऊपर का हो गया, जितना बचा लेंथ वो नीचे ले लेंगे। जैसे मेरा 22 इंच है तो 22 इंच में नीचे ले लूंगी, सिलाई मार्जिन मेरा इसके अंदर इंक्लूड है। नेक विथ 3 इंच और लेंथ सिर्फ 1/2 इंच लेंगे। स्लीव्स और साइड सिलाई के लिए भी 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए बैक पार्ट को 1/2 इंच पीछे रख के कट कर देंगे। बैक नेक का मार्क करेंगे और फ्रंट नेक का डीप जितना चाहिए आपको उतना ले सकते। फ्रंट पार्ट को बीच में से कट कर देंगे। अभी फिर से पेपर को डबल फोल्ड करेंगे और बैक साइड के साथ जो हम लोग नीचे का घेर कट किया था उसको 1/2 इंच पीछे रखते हुए कट कर देंगे। इसे भी बीच में से कट कर देंगे। ये फ्रंट का घेर रेडी हो गया, ये बैक का घेर। फ्रंट बॉडाइज, बैक बॉडाइज। बॉडाइज मतलब पेटी होता है, नहीं तो बहुत से लोग कमेंट में पूछेंगे मैम बॉडाइज क्या होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ बॉडाइज का मतलब पेटी होता है। अभी फिर से मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है और स्लीव्स की चौड़ाई, मतलब अगर मेरी स्लीव्स की चौड़ाई 7.5 है, 7.5 का डबल जितना होगा उतना मार्क कर लेंगे और स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे। मेरी स्लीव्स की लेंथ 15 है तो मैं 15 ले रही हूँ, पर इसमें मैंने सिलाई का मार्जिन भूल गई हूँ लेना, तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा ले लोगे। ये एक साइड की स्लीव्स कट हो गई है, इसी तरह दूसरे साइड की स्लीव्स भी कट कर लेंगे। बैक साइड के कपड़े को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर फ्रंट साइड का कपड़ा उल्टा रखेंगे। दोनों के शोल्डर को स्टिच कर देंगे। अभी जो मैंने 15 इंच की स्लीव्स कट किया था उसमें बड़ी सिलाई लेके चुन बना लेंगे। ये चुन, ये जो स्लीव्स है उसके बराबर आना चाहिए। इसके ऊपर से एक सिलाई ले लेंगे। इसी तरह नीचे की चुन भी लगा लेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई ले लेंगे। ऐसे ही फ्रंट की चुन भी लगा लेंगे।
अब मैं 2.5 इंच की पट्टी ले रही हूँ। पट्टी को कपड़े के ऊपर रख के 1/2 इंच की सिलाई ले लेंगे। अब पट्टी आगे की तरफ करके कॉर्नर पे एक सिलाई ले लेंगे। पूरा कपड़ा पीछे करते हुए डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिल देंगे। अभी वो साइड पे हमने ऊपर से पट्टी लगाया था, जिसमें नीचे से पट्टी लगा के 1/2 इंच पे सिल देंगे। अब 1/2 इंच फोल्ड करके जो सिलाई लिया है उसी के ऊपर एक और एक सिलाई कर देंगे। जो घेर मैंने ज्वाइंट किया था उसको 1/4 इंच पे डबल फोल्ड करके सिलाई ले लेंगे। 1.5 इंच की बायस पट्टी मैंने कट किया है। बायस पट्टी मतलब तिरछे कपड़े पे जो पट्टी कट करते हैं उसे बायस पट्टी कहते हैं। डबल फोल्ड करके पट्टी को गले के सीधे साइड पे रख के 1/4 मतलब एक पैर की सिलाई कर लेंगे। अब पट्टी के ऊपर सिलाई ले लेंगे कॉर्नर पे। पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए कॉर्नर पे सिलाई ले लेंगे। जैसा घेर में 1/4 इंच पे डबल फोल्ड करके सिलाई ले लेते वैसे स्लीव्स में भी सिलाई ले लेंगे। 1.5 इंच पे फोल्ड करके कॉर्नर पे सिलाई करेंगे और उसके ऊपर 1/4 इंच पे सिलाई करेंगे। मैंने 9 इंच की इलास्टिक लिया है क्योंकि मेरा स्लीव्स राउंड 9 है। आप अपने हिसाब से ढीला टाइट कर सकते हैं। अभी जो मैंने 2 सिलाई लिया था 1/4 इंच का गैप रखते हुए उसमें मैं इलास्टिक डाल रही हूँ और दोनों साइड से उसको सिल देंगे। अभी 1/2 इंच पे नीचे तक के सिलाई ले लेंगे दोनों साइड। और फ्रंट में जो बटन पट्टी लगाया था उस पर बटन टाक लेंगे।